जय शनिदेव प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना डेली राशिफल लेकर। और जैसा कि मैंने अभी पिछले दो दिनों से आपको बता रहा था कि बृहस्पति देवता, देवगुरु बृहस्पति, यानी आसमान में अगर हम जिनको बृहस्पति ग्रह के रूप से भी जानते हैं, जिसके अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अचानक से शनि के घर में आ गए और वहां आकर नीच के हो गए, यानी नीच भाव में प्रवेश किया। उन्होंने अपने स्वयं के घर में बैठे हुए थे अभी तक, तो हमारी चारों तरफ से रक्षा हो रही थी और हमारे पर वो अपनी दिव्य दृष्टि से कृपा बरसा रहे थे, किंतु जैसे ही उन्होंने नीच भाव में यानी शनि के घर में प्रवेश किया है जहां पर वो नीच के हो जाते हैं, तो अचानक से उसका प्रभाव भी सामने आते हुए देर नहीं लगी। बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी को मानते ही नहीं है, तो देखिए अब क्या हुआ, आपने निजामुद्दीन की खबर सुनी होगी कि कोरोना वायरस से पीड़ित देश में इस समय निजामुद्दीन में जो धार्मिक जलसा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है 17-18 से लोग एकत्रित हुए और उसमें बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं किसी न किसी वजह से, जुकाम खांसी वगैरह की वजह से, उसमें से एकाध की मौत भी हो गई है। तो नीच का कौन हुए, नीच भाव में किसने प्रवेश किया, शनि देव ने। तो फल कहां देखने को मिला, धर्म स्थल पर, यानी एक समुदाय विशेष के धर्म स्थल पर हमें तुरंत इसका फल देखने को भी मिल गया कि शनि के नीच भाव में आने से क्या दुष्प्रभाव हम लोगों के सामने आते हैं। और ये कोई समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा, ये अलग अलग जगह पर जैसे जैसे शनि स्ट्रांग होते जाएंगे वैसे वैसे नीच के फल यानी परेशानियों वाली बातें आपके सामने आती जाएंगी। हमारा देश वैसे ही इस समय कोरोना के बोझ तले इस महामारी ने चारों तरफ से जकड़ लिया है, उसके बीच में भी हमारे जो तारणहार हैं आजकल हमारे अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, और क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम हमारे अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए कर्मों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि वो पुलिस के जवानों के द्वारा किस प्रकार से निसहाय लोगों की, दिहाड़ी मजदूरों की, गरीब तबके की, कमजोर लोगों की मदद कर रहे हैं। और आज भी हमें मौका मिला दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर फल इत्यादि वितरित करने का उन्हीं गरीब लोगों को, किंतु बृहस्पति का इस तरह नीच के भाव में आना वाकई आने वाले दिनों में विपरीत असर लाने वाला है। हम सभी को बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, हमारी जरा सी सी लापरवाही हमारे और हमारे परिवार की जान को और साथ ही हमारे समाज को और अंततः देश को भी खतरे में डाल सकती है, तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही में आपको कोरोना की महामारी से ध्यान हटाने के लिए आपको एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमने अपनी मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यवस्था की है कि हमारे यहां से स्वामी प्रिंस ऋषि और उनके दो असिस्टेंट आप लोगों को आपकी परेशानी का हल हमारी मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको अवश्य बताएंगे। उसके लिए आप जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप की जो लोकेशन है गूगल ऐप में, वहां से गूगल ऐप से मोबाइल ऐप लोड कर लीजिए और वहां जाकर आप अपनी परेशानियों के लिए हमें एक बार आप मैसेज कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से
प्रिंस ऋषि की ड्यूटी लगाई हुई है उनके दो असिस्टेंट के साथ कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज विक्रम संवत 2077 तारीख 2 अप्रैल 2020 तिथि है नवमी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आज के दिन रहेगा। जो आज का योग है वो अति गंड योग है। बृहस्पतिवार का दिन है और जो राहु काल है 1:53 से 3:32 तक रहेगा। इस समय पर शुभ कार्य ना किए जाएं ऐसी हम आपको सलाह देते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों, अचानक से बदनामी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा काम ना करें जो आपके लिए बदनामी का कारक बने। जो परिवारजनों का साथ है वो आपको मिला हुआ है और आपको आशीर्वाद दे रहा है, जिससे आपको अत्यंत फायदा होगा। भाई बहनों के साथ अगर आप अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे माता के आशीर्वाद से, और आपको बृहस्पति देवता की इस समय पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो बृहस्पति देवता की विधिवत पूजा अर्चना करें नियमित रूप से, तो आपको आराम आएगा। इस पूजा विधि की अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमें ईमेल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में से हमारा ईमेल एड्रेस ले लीजिए, हमें ईमेल करिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यह पूजा की विधि भेज देंगे। बात करते हैं माता के साथ आपके संबंधों की। निश्चित रूप से माता और परिवारजनों के लोग आपको मदद करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो जो स्टूडेंट जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैरियर कैसे बनेगा, और कैरियर नहीं बनेगा तो आप आगे आने वाला जो आपका परिवार होगा उसका भरण पोषण पालन पोषण कैसे करेंगे। महंगाई तो सुरसा के मुंह की तरीके से नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। पीछे जो सब्जी आलू 10 रुपए किलो आते थे, आज वो कहीं 35-40 रुपए किलो से कम नहीं मिल रहे। और हम अपने जमाने की बात करें तो हमने शायद 10-20 पैसे किलो में भी आलू खरीदे। तो 10-20 पैसे किलो वाले आलू अगर आज 35-40 रुपए किलो में बिकने लगे तो ये महंगाई कितनी भयंकर तेजी से बढ़ रही है। तो अब आप अपने कैरियर पर फोकस नहीं करेंगे अब तो कब करेंगे बुढ़ापे में। तो आप लोगों से, विशेष रूप से उन लोगों से जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, किताबें सामने रखी रहती हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा होता है, या मेहनत करने के बाद भी जिन लोगों के अच्छे नंबर नहीं आते वो बिना किसी चीज के अपने माता पिता के साथ स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित करें। हम एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपके जीवन में न सिर्फ हर बार पहले से ज्यादा नंबर दिलवाएंगे अपितु आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और उन निसंतान दंपत्तियों से जिनकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं या फिर उनको संतान नहीं हो रही है या बार बार मिसकैरेज हो जाता है ऐसे, और वो डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो एक बार एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करें। एस्ट्रोलॉजी में वाकई इतनी ताकत है कि इस तरह के दंपतियों को मदद देकर उनको संतान की किलकारियों को उनके घरों में गुजवाया जा सकता है। तो जब आपको लगे कि अब समय आ गया है एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेने का, क्योंकि डॉक्टर ने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं आपके साथ, तो आप एक बार अवश्य एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान को ट्राई करें जो हमारे योग्य ऋषि मुनियों ने, महान संतों ने अपनी तपस्या के बल पर हमारे धर्म ग्रंथों में सूत्रों के रूप में अंकित किया। उस ज्ञान के माध्यम से आपकी हेल्प की जा सकती है और हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में संतान रूपी किलकारियां आपके घरों में गूंज सके। तो आप बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या पर्सनली मिलकर, समय ठीक होने पर पर्सनली मिलकर हमसे अपनी
परेशानियों की चर्चा कर सकते हैं और अपनी खुशियों को पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं जीवन साथी के मसले में। जैसे कि आपको पता है, जीवन साथी के साथ अक्सर आपके संबंध तनावपूर्ण रहते हैं और बार बार परेशानियां आपको विचलित कर देती हैं। रोजाना झगड़े, नई नई बातों पर झगड़े होने लगते हैं। बात छोटी छोटी होती है मगर जीवन ध्रुव हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो देखा गया तो सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो आपकी ही कुंडलियों में होती है तुला राशि वालों, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर आपके लगते हैं केवल शादी के विषय को लेकर, केवल धर्म जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर। तो ऐसे व्यक्ति जो इस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, उन लोगों को, उन दंपत्ति को, दोनों ही दंपत्ति की बात कर रहा हूं, दोनों दंपत्ति नहीं तो कम से कम एक जने को अपने जीवन साथी से संबंधित मंत्र से, प्राण पति से जागृत की हुई रत्नों की एक अंगूठी को अपने हाथ में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में तनाव कम होगा, खुशियों के क्षण ज्यादा आएंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और अगर ऐसी अंगूठी आपको कहीं नहीं मिल पा रही है तो यह मंत्र सिख पार प्रतिष्ठित और जागृत अंगूठियां आप अपने साइज के हिसाब से हमारे यहाँ से बनवा कर पूरी दुनिया में घर बैठे कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बबीता ठाकुर, मयूर विहार फेज 3 से आई हूँ। मैं अपने हस्बैंड उनके बारे में भी बताना चाहती हूँ। अशोक नगर कोटी, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनका जॉब छूट गया था और कोई मार्ग कोई रास्ता नहीं था। 2 महीने वो बैठे भी थे, तो मैं उनको भी लेके आई गुरुजी के पास और मुझे सारी बातें बताई। तो गुरु माँ ने उनके लिए भी रिंग बना के दिया है और उन्हें भी पहने हुए 2 महीने हो गए और 2 महीने का रिजल्ट यह है कि आज उनकी जो जॉब छूट गई थी, खुद उनके बॉस ने उनको बुलाया और वो जॉब उनको मिल गई है। तो हमें बहुत फायदा हुआ है यहाँ आके और बहुत विश्वास है गुरुजी और माता रुक्मणी पे। जय शनिदेव। तो भाग्य का सितारा थोड़ा सा कष्ट दे रहा है और आमदनी कार्यस्थल पर भी अचानक से उलझने बढ़ने लगी है, सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी आमदनी से संबंधित ग्रह की, तो आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से आपको भगवान श्री सूर्यदेव की डटकर पूजा करनी होगी, क्योंकि स्थिति आमदनी की खराब हो रही है अचानक से, तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए आपको भगवान श्री सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। वही आपकी आमदनी के कारक है, उनका ही आशीर्वाद लेने से आपकी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो भगवान श्री सूर्यदेव की पूजा विधि अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीन पर जो हमारा वीडियो चल रहा है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से हमें ईमेल एड्रेस है हमारा, उस ईमेल एड्रेस ईमेल करें, हम आपकी ईमेल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में जो हमारे द्वारा बनाया हुआ छोटा सा विधि विधान है सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का, वह आपको भेज देंगे। बात करते हैं आपकी भाग्य की उलझने अचानक से बढ़ रही हैं, तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं प्रेमी युवक युवतियों के बारे में, जो अपने प्रेम संबंधों में अपनी बुद्धि के अवसर से लाभ उठा रहे हैं, किंतु अगर उन्हें फिर भी समस्या आ रही है तो उनसे या तो उनको अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर, माँ को कॉन्फिडेंस में लेकर इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो माँ को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं कर सकते तो उनको अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य विशेषज्ञ को दिखाकर परामर्श करना चाहिए। आप हमें भी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या आप चाहें तो पर्सनली मिलकर भी हमारे से इस बारे में गाइडेंस ले सकते हैं और अपने प्रेम संबंधित मामलों में खुशियां ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।